हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम अब सीखेंगे वर्कशीट 55 फॉर इंग्लिश वर्कबुक परवाय क्लास 6-7। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, आपको सभी वर्कशीट यहां पर हल मिलेंगी। देखिए भी यहां पर है रीड्स एंड आइडेंटिफाइज नाउन एंड एडजेक्टिव अप्रोप्रिएटली। आपको इस पैराग्राफ है वहां पर नाउन संज्ञा और एडजेक्टिव की पहचान करनी है। जैसे रीड द गिवन शॉर्ट स्टोरी एंड आइडेंटिफाई नाउन एंड एडजेक्टिव। आपको नाउन नेमिंग वर्ड होते हैं, कोई भी नाम होता है वो नाउन होती है, चाहे वो पक्षी का हो, पशु का हो, स्थान का हो, वस्तु का हो। एडजेक्टिव क्या होता है भी, ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन, एक ऐसा शब्द जो संज्ञा की विशेषता बतलाता हो। अब हम इसमें सीखेंगे, देखो भी वंस देयर वर टू ट्रीज, एक बार दो पेड़ थे। अब यहाँ पर क्या है भी, यहाँ पर ट्रीज है वो क्या है भी, नाउन है। तो आप नीचे यहाँ पर बॉक्स दिए हुए हैं नाउन के, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ट्रीज। और ट्रीज से पहले क्या है अभी, टू। पेड़ कितने अभी, दो हैं, ये टू है, ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। क्या अभी, एडजेक्टिव कई टाइप के होते हैं, इसको न्यूमेरिकल एडजेक्टिव बोलते हैं, टू भी आप यहाँ लिखोगे। आगे देखिए भी, दे लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, वो एक जंगल में रहते थे। अब यहाँ पर जो फॉरेस्ट है ना, वो नाम है किसी का, ये नाउन है। और जो जंगल की विशेषता बताई जा रही है कि ये जंगल कैसा था भी, सुंदर था, तो यहाँ पर फॉरेस्ट लिखोगे आप। और यहाँ पर क्या लिखोगे, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है भी, यहाँ पर एक एडजेक्टिव है जो जंगल की विशेषता बता रहा है, जंगल सुंदर है, भद्दा है, घना है, कैसा है। दे हैड फाइव फ्रेंड्स, उनके पांच दोस्त थे। अब फाइव है वो भी क्या है भी, एडजेक्टिव है। फ्रेंड्स है वो नाम है, ये नाउन है, यहाँ पर फ्रेंड्स लिखोगे आप। और यहाँ पर फाइव लिख दोगे। जितने भी ये न्यू नंबर होते हैं, ये क्या होते हैं भी, एडजेक्टिव होते हैं, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होते हैं। अब आगे देखो भी, इनके नाम बताए इसने, क्या बताए अभी, मंकी ये भी नाउन है, स्पाइडर मकड़ी ये भी नाउन है, पैरेट नाउन है, लाइन नाउन है, एलिफेंट नाउन है। इनके सभी के नाम आप यहाँ पर लिखोगे, मंकी, स्पाइडर, पैरेट, लायन, कोमा लगाते जाओगे, और एलिफेंट। अब देखो भी, द मंकी लिव्ड ऑन द ट्री, मंकी कहाँ रहता था अभी, पेड़ पर रहता था। अब यहां पर मंकी भी नाउन है लिख दिया हमने, ट्री भी नाउन है लिख दिया, लाइन इनसाइड द केव। अब लाइन कहाँ रहता था अभी, गुफा में रहता था। यहां पर केव है वो किसी का नाम है, तो आप नीचे क्या लिखोगे भी, केव लिख दोगे, गुफा। स्पाइडर का हमने लिख दिया, ऑन ए वेव कहाँ रहती थी, एक जाले में रहती थी। यहाँ पर ये वेव क्या है भी, ये भी एक नाउन आप नीचे लिख दोगे। फिर बिटवीन द ब्रांचेज, ब्रांचों शाखाओं के बीच में, यहाँ पर जो ब्रांचेज है वो भी क्या है भी, नाउन है, नीचे नाउन बॉक्स में लिखोगे आप। पैरेट इन ए नेस्ट, पैरेट कहाँ रहता था अभी, घोंसले में रहता था। ये नेस्ट भी किसी का नाम है, तो क्या भी एक नाउन है। हाईएस्ट ब्रांच, अब ब्रांच नाउन है, ब्रांच की विशेषता बताई जा रही है कि वो हाईएस्ट ब्रांच है, लोएस्ट ब्रांच है। हाईएस्ट है, हाईएस्ट क्या हो जाएगा अभी, एडजेक्टिव हो जाएगा। एलिफेंट अंडर द ट्री, एलिफेंट नाउन है, ट्री नाउन है, हमने लिख दिया पहले ही। वन नाइट एक रात में, द ट्रीज एंड द फ्रेंड्स आर हैविंग डिनर, भोजन ले रहे थे। अब डिनर क्या है यहाँ पर, कोई नाम है भोजन, ये भी क्या है, नाउन है। द मंकी ब्रोट येलो जूसी मैंगोज, मंकी है वो पीले जूसी मैंगो लेके आया। मैंगो क्या है अभी, कोई नाम है, तो ये क्या है अभी, नाउन है। और यहाँ पर जो आम कैसे हैं अभी, येलो कलर के हैं, ये एडजेक्टिव है। और इसमें एक एडजेक्टिव और दिया, जूसी, मतलब जूस से भरे हुए हैं वो, ये भी एडजेक्टिव है। ये मैंगो की विशेषता बताई जा रही है। पैरेट कलेक्टेड स्मॉल सीड्स, अब यहाँ पर सीड्स हैं, बीज है, ये नाउन है। इनकी विशेषता क्या है, बीज कैसे हैं भी, छोटे हैं या बड़े हैं। यहाँ स्मॉल है वो क्या है अभी, एडजेक्टिव है। और जो सीड्स हैं वो क्या है अभी, नाउन है। एलिफेंट गोट बिग बकेट, अब बिग बकेट में बकेट बाल्टी है वो तो नाउन है, और बिग क्या है अभी, बाल्टी छोटी है, बड़ी है, चौड़ी है, ये क्या है अभी, बिग है वो क्या है अभी, एडजेक्टिव है।
और वाटर फ्रॉम द रिवर, अब वाटर भी नाउन है रिवर भी नाउन है, दोनों नाम है, अब वाटर लिखेंगे नाउन में और रिवर लिखेंगे। दे ऑल कुक्ड डिलीशियस फूड, अब इन्होंने उन्होंने एक स्वादिष्ट भोजन पकाया, भोजन कैसा था भी स्वादिष्ट था, अब भोजन नाउन है और भोजन स्वादिष्ट है स्वादिष्ट नहीं है, ये डिलीशियस शब्द है, ये क्या अभी एडजेक्टिव है डिली सस, और फूड के अभी नाउन है। एंड एट टुगेदर, साथ साथ खाया, एवरी वन फेल्ट वेरी हैप्पी, सभी ने बड़ा खुश महसूस किया, एंड स्लेप्ट वेल दैट नाइट, उस रात है सो गई। अब इस प्रकार आपको नीचे आप लिख सकते थे, जैसे नाउन में आप लिख दी ट्रीज फॉरेस्ट फ्रेंड्स मंकी स्पाइडर पैरेट लायन एलिफेंट केव गुफा वेव जाला ब्रांचेस शाखाएं नेस्ट घोंसला डिनर भोजन मैंगोज आम सीड्स बीज बकेट बाल्टी वाटर पानी रिवर नदी फूड भोजन, इनको आप कॉमा लगाते जाओगे और लिखते जाओगे, और यहाँ पर आप एडजेक्टिव लिख दोगे, टू है ब्यूटीफुल है फाइव है हाईएस्ट है येलो है जूसी है स्मॉल है बिग है डिलीशियस है, ये सारे क्या हैं अभी एडजेक्टिव हैं। थैंक्स, वीडियो पसंद आया चैनल जरूर सब्सक्राइब करना।